लोग भूत प्रेत आत्माओं को देखने का दावा करते हैं। क्या आपने कभी भूत प्रेत आत्माओं को देखा है? क्या कभी आपका सामना प्रेत आत्मा से हुआ है? नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको भूतों से संबंधित कुछ रोचक बातें बतलाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्या आप जानते हैं गरुड़ पुराण में भूत प्रेत आत्माओं के विषय में आपको विशेष जानकारी मिलती है? श्रीमद् भागवत पुराण में धुंधकरी के प्रेत बन जाने का विशेष वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक प्रेत ने ही हनुमान जी का पता बताया था। अजुर्वेद के अनुसार भूतों के 18 प्रकार होते हैं। आत्माओं के 3 स्वरूप होते हैं, जीवित आत्मा, प्रेत आत्मा, सूक्ष्म आत्मा। मरने के बाद कौन भूत बनता है? जिनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हो, जो स्वार्थी हो, जो पापी हो, वही प्रेत योनि में रहता है। प्रेत आत्माएं सबसे अधिक किसे परेशान करती है? जो अपवित्र हो, जिनकी मानसिक शक्ति कमजोर हो, जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी ना हो, जो धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हो, ऐसे लोगों पर भूतों का विशेष प्रभाव रहता है। भूत प्रेत को खाने की अत्यधिक इच्छा होती है, उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, पर तृप्ति नहीं मिलती। भूत प्रेत हमेशा मुक्ति की तलाश में भटकते रहते हैं, इसीलिए वो कभी घर में तो कभी रास्ते पर लोगों को पकड़ लेते हैं। प्रेत आत्माओं को कृष्ण पक्ष अत्यधिक पसंद आता है। 13, 14 और अमावस्या को ये काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। दोस्तों, भूतों के विषय में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।